मेयर राहुल गांधी बीते दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ओबीसी की भागीदारी पर बात करते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने ब्यूरोक्रेसी में भी ओबीसी अधिकारियों की संख्या का मुद्दा संसद में उठाया था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को इस संबंध में घेरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा में मंगलवार को अहम फैसला लिया। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद जाटों के दबदबे वाले हरियाणा में बीजेपी ने अपने ओबीसी चेहरे नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, वो भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। खट्टर के इस्तीफा देते ही 4.5 साल पुराना बीजेपी और जेजेपी का सरकार में गठबंधन में खत्म हो गया। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आखिर बीजेपी ने खट्टर को सीएम पद से क्यों हटाया और नायाब सिंह को सीएम क्यों बनाया। चुनाव से पहले राज्य में मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी की परखी हुई रणनीति है। इसकी शुरुआत 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफे से होती है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को बीजेपी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया था। अगले साल ही यानी 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होना था। रूपाणी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था और रातों रात मुख्यमंत्री से लेकर गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल नया हो गया। एक साल बाद गुजरात में चुनाव हुआ था और बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सातवीं बार सत्ता में लौटी थी। बीजेपी ने गुजरात के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्री को बदल दिया था। कर्नाटक को छोड़ दे तो मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति बीजेपी के हक में गई थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति को बीजेपी की ओबीसी केंद्रित राजनीति के आईने में देखा जा रहा है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस भले ओबीसी की बात कर रही है, लेकिन वो हकीकत में इसे करके दिखा रही है। 77 सदस्यों वाले मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 27 मंत्री ओबीसी हैं। बीजेपी के 303 लोकसभा सांसदों में 85 ओबीसी है। फिलहाल मोदी के इस ओबीसी वाले खेल में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।